हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि कंक्रीट मिक्स का डिजाइन पाइल के लिए कैसे करते हैं, तो आज हम लोग इसी सिलसिले में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज उपलब्ध है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो हमको कंक्रीट पाइल करना है वो M35 का ग्रेड है। सीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो 53 ग्रेड सीमेंट यूज कर रहे हैं, और मैक्सिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट है वो 20 हम यूज कर रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट 400 केजी पर मीटर क्यूब है। एज पर IS 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 और IRC 78/2014 के हिसाब से मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 हम ले रहे हैं एज पर IRC 78/2014 के हिसाब से, और वर्कबिलिटी है 150 से 200 mm ले रहे हैं हम लोग एज पर IRC 78/2014 के हिसाब से, लेकिन हम लोग 175 mm आगे डिजाइन में लेंगे। एक्सपोजर कंडीशन क्या है? मॉडरेट है। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग क्या है? ट्रिमी है। सुपरविजन डिग्री ऑफ क्या है? गुड है। और टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है। एडमिक्सर जो हम यूज कर रहे हैं वो सुपर प्लास्टिसाइजर है और नॉर्मेट है। टेस्ट डाटा क्या है हमारे पास? जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो सागर सीमेंट है, और जो सीमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 है। केमिकल एडमिक्सर हम जो यूज कर रहे हैं वो सुपर प्लास्टिसाइजर है। कोर्स एग्रीगेट जो 20 mm है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने निकाली है 2.799 आई है, और 10 mm की 2.789 आई है। अभी हमने कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं एग्रीगेट की, तो हम 20 mm 45% यूज कर रहे हैं और 10 mm हम 55% यूज कर रहे हैं ब्लेंडिंग में, तो दोनों का कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.792 है। आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा क्या आता है, ये तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। और फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.517 है। वाटेज ऑप्शन कोर्स एग्रीगेट जो 20 mm का है 0.41% है, 10 mm का 0.59% है। फाइन एग्रीगेट का वाटेज ऑप्शन 1.87% है। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू 20.52% है। कंबाइंड फ्लैकीनेस और एलोंगेशन इंडेक्स जो है 27.57 है। और जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो एज पर IS 383/2016 के हिसाब से है। फाइन एग्रीगेट जो यूज कर रहे हैं वो ग्रेडिंग 3 में आता है एज पर टेबल 4 IS 383 के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं https://www.highwayguide.co.in। ये हमने वेबसाइट 21 जुलाई को बनाया है, आप इसमें जाकर इस डिटेल को वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग वो है हमारा F-CK=FCK+1.65S, जहां पर F-CK जो है एवरेज टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है 28 डेज में, और FCK है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 28 डेज में। अभी S स्टैंडर्ड डेविएशन हमने टेबल 1 IS 456 और IS 1026 से हमने लिया हुआ है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन S जो है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो टारगेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका?
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है? 35। 35 क्या है? हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है प्लस 1.65 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन। ये स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? एस, जो ये 5 है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा आपको 43.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि हाईवे में नहीं काम करते हैं। लोग हाईवे में काम करते हैं उनको मोस्ट फिफ्थ रिवीजन के हिसाब से टेबल 700.5 से आपको क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक्स इस दिन 35 प्लस करंट मार्जिन 12 वो लेना पड़ेगा, आएगा आपका 47 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो लोग हाईवे में काम करते हैं उनको 47 कंसीडर करना पड़ेगा और जो लोग अदर देन हाईवे में काम करते हैं उनको 43.25 जब हम ट्रायल करेंगे। आपको डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.highwayguide.co.in। पी सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बेस्ड ऑन ट्रायल हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 लिया हुआ है, लेकिन एज पर IS 456 टेबल नंबर 5 उसके हिसाब से मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो मॉडरेट कंडीशन के लिए 0.5 है, लेकिन एज पर IRC 78 क्लास 709.1.9 के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 है। वो हमने 0.4 लिया था तो ये सारे क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे वो IS 456 हो चाहे मोस्ट फिफ्थ रिवीजन हो। तो इसके हिसाब से हमने जो लिया हुआ है, देखिए ये 0.5 है, IS 456 के हिसाब से हमने 0.4 लिया है और IRC 78 के हिसाब से 0.4 है, तो वो दोनों बराबर है। आप लोग इस बात को पूरा डिटेल में जानने के लिए हमारी वेबसाइट है जिसमें आप विजिट करिए www.highwayguide.co.in। ये वेबसाइट जो है जो हम YouTube में बनाते हैं वो चीज हम उसमें भी डालते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजिए या फिर से समझाइए, तो उन लोगों के लिए ही मैंने ये वेबसाइट बनाया है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे अनुरोध है कि वो मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। पांचवा, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, ये पांचवा पार्ट है। तो एज पर IS 10262/2009 टेबल 2 के हिसाब से अगर 20 mm एग्रीगेट है तो उसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट 186 लीटर है। 186 लीटर किसके लिए है? 25 से 50 mm स्लम रेंज के लिए। लेकिन हमने क्या किया है कि स्लम हमने लिया है 175 mm हमने स्लम लिया है, तो लेकिन 3% एवरी एडिशनल 25 mm के लिए स्लम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 75 mm स्लम है तो 3% बढ़ाएंगे, 100 mm स्लम ले रहे हैं तो 6% बढ़ाएंगे, 9% बढ़ाएंगे 125 mm स्लम के लिए, 12% बढ़ाएंगे 150 mm स्लम के लिए और 15% बढ़ाएंगे 175 mm स्लम के लिए। तो 186 प्लस वो जो हमने 15% बढ़ाया है, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 186, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 213.9, संक्षेप में हम समझ लेते हैं 214 लीटर। लेकिन ये अभी हम लोग जो है सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं तो 214 लीटर से कम हमको लगेगा। तो अब कितना कम लगेगा उसके लिए हमको कितना परसेंट रिडक्शन होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको
मान लीजिए कि हम सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हम कितने केजी पे, या हमारी कंपनी या हमारा बजट या कॉस्ट एंड कितने केजी पे हम करेंगे। तो मान लीजिए हम 420 केजी पे सीमेंट पर डिजाइन कर रहे हैं और वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.4 है, तो हमारा वाटर कितना आ जाएगा, 168 लीटर वाटर आएगा। तो हमको क्या करना है, 214 लीटर से घटा के वाटर हमको कितना लाना है, 168 हमको लाना है। तो वाटर रिडक्शन कितना होगा, अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर लेते हैं तो 100 माइनस 168 जितना लाना है, कितने में लाना है, 214 में। तो 168 डिवाइडेड बाई 214 इंटू 100 आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 21.5% रिडक्शन आपको आ जाएगा। तो आपको रिडक्शन ऐसे ही निकालना है। तो हमारा रिडक्शन कितना आया, 21.5%। तो अब नेट रिक्वायर्ड वाटर क्या हुआ, तो नेट रिक्वायर्ड 214 माइनस 214 इंटू 21.5, जो हमने ये देखिए ऊपर हमने निकाला था, इक्वल टू 214 माइनस 46.01 इक्वल टू 167.99 लीटर, जिसको भी हम लोग 168 लीटर भी हम लोग कह सकते हैं, जो हमने पहले निकाला था। तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता है कि वाटर रिडक्शन कितना हुआ तो कैसे निकालना है। तो वाटर रिडक्शन करने के लिए आपको जो हमने तरीका बताया है आप वही तरीका अपनाइए। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, तो हमने पहले तो डिस्कस किया था, हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 लिया है और वाटर हमारा 168 आया है, तो हमने कैलकुलेशन में 420 केजी पर मीटर क्यूब है। ट्रीमी कंक्रीट के लिए एज पर आईएस 2911 के हिसाब से मिनिमम सीमेंट कंटेंट 400 केजी होना चाहिए और आईआरसी 78 के हिसाब से भी मिनिमम सीमेंट कंटेंट 400 केजी लेना चाहिए, लेकिन हमने 420 केजी पर मीटर क्यूब लिया है इसलिए हमारा सीमेंट कंटेंट सही है। ये हमारी वेबसाइट है www.highwayguide.co.in, आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जरूर डाल दूंगा जिससे आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हमको प्रोपोर्शन डिसाइड करना है कि कितना कोर्स एग्रीगेट लेंगे और कितना हम फाइन एग्रीगेट लेंगे। तो एज पर टेबल नंबर 3 आईएस 10262/2009 के हिसाब से जब हम 20 एमएम नॉर्मल साइज एग्रीगेट लेंगे और सैंड हमारा जोन 3 का रहेगा, तो उसमें क्या है, कोर्स एग्रीगेट 0.64% रहेगा और वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 रहेगा। लेकिन अभी हमारे केस में जो है वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 है, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमको बढ़ाना पड़ेगा और फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। लेकिन हमने जो ये वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.4 है, तो यानी 0.5 से 0.1 कम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है 0.02 बढ़ेगा, 0.02 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि हर 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो में चेंज होने पर 0.01 वो बढ़ता है, तो
कैसे निकालेंगे 0.02 कहां से आया, क्या करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05, तो कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स किसका आया 2 टाइम्स ऑफ 0.01, इसका मतलब क्या हो गया 0.01 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 0.020, ये बी हो गया। हमने इसको यहाँ पे ए लिया है, तो आपको समझ में आ गया कि ये 0.02 कहाँ से आया, जो वॉल्यूम जो कोर्स एग्रीगेट का इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से आ गया। अब क्या करना है हमको, ए प्लस बी लेना है, ए हमारा आया था 0.64, हमने यहाँ पे 0.64 ले लिया, और ये बी हमारा लेना है 0.02, टोटल हमारा आ गया 0.66, तो इसका मतलब क्या हो गया करेक्टेड वाटर सीमेंट 0.4 के लिए कोर सेग्रीगेट 0.66 हो गया, लेकिन पंपेबल कंक्रीट के लिए 10% हमको और घटाना है कोर सेग्रीगेट को, तो फिर क्या हो जाएगा 0.66 इंटू 0.9 इक्वल टू 0.59 आ जाएगा, लेकिन क्या है ये, तो फाइन एग्रीगेट क्या हो जाएगा 100% में से 59% घटा देंगे तो आपको 41% आ जाएगा, यानी 1 में से 0.59 घटाएंगे तो आपको 0.41 आ जाएगा। अभी हमको यूनिट्स की कैलकुलेशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या है 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इन 2000। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है 400 है डिवाइडेड बाई 3.15 इन 2000, कैलकुलेट करने पे आएगा आपका 0.126 आएगा। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू 1000, ये ब्रैकेट क्लोज है ये आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू 1000 है, ये देखिए पूरा ब्रैकेट क्लोज है, आप मास ऑफ वाटर आपका 168 है डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1000, ये देखिए ये ब्रैकेट क्लोज है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 0.168 मीटर क्यूब। अभी हमने जो ट्रायल किया था उससे हमको ये पता चला था कि 175 mm स्लंप लाने के लिए जो है हमको 1% एडमिक्सर यूज करना पड़ा था, 1% किसका 1% सीमेंट का, तो सीमेंट 420 kg थी तो उसका 1% हो जाएगा 4.2 kg, तो मास ऑफ एडमिक्सर क्या हो गया 4.2 डिवाइडेड बाई 1.090 इंटू 1000 आ जाएगा आपका 0.0039 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट क्या होगा ए माइनस ए यानी ये टोटल माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट बंद 1 माइनस 0.126 ये प्लस 1.168 प्लस 0.0039 आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको 0.702 मीटर क्यूब, यानी ई वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। अभी हमको मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है, तो ई इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000, E हमने निकाला था 0.702 था इंटू 0.59 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट की 2.792 इंटू 1000 आएगा आपका 1143.97 kg मीटर की। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या आ जाएगा E इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000 E 0.702 इंटू
वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है 41% यानी 0.41 इंटू 2.517 इंटू 1000 आपको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 724.44 केजी पर मीटर क्यूब। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.highwayguide.co.in पे जरूर आइएगा और इस डिजाइन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अब मिक्स पोर्शन क्या हो जाएगा, सीमेंट हमारा 420 केजी पर मीटर क्यूब, वाटर 168 लीटर पर मीटर क्यूब, फाइन एग्रीगेट 724.44 केजी पर मीटर क्यूब, कोर्स एग्रीगेट क्या हो जाएगा, टोटल था हमारा 1143.97। तो उसमें 20 एमएम हमने लिया था 45%, तो 20 एमएम हमारा 514.79 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा और 10 एमएम हमने लिया था 55%, तो 1143.97 इंटू 55% 629.18 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो आप जैसा लें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ लोग 60 लेते हैं 20 एमएम, 10 एमएम 40 लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का एग्रीगेट में ये एसी में ही सेट हो रहा था तो हमने इसको ऐसे लिया। इंक्लूड मिक्सर आपका 4.2 केजी पर मीटर क्यूब, वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 मीटर क्यूब। अभी हमको क्या करना है, अब कैलकुलेशन निकालना है जिससे कि हमको क्यूब मोल्ड भरना पड़ेगा। तो सीमेंट, वाटर, एडिटिव, सैंड, 20 एमएम, 10 एमएम, ये सब इसमें एसएसडी कंडीशन में तो हमने सारे निकाल लिए, लेकिन अभी क्या करना है हमको ड्राई कंडीशन में निकालना है। ड्राई कंडीशन में इसलिए क्योंकि बैचिंग लाइन में तो ड्राई यूज होता है, तो आपको बैचिंग लाइन में यही चिपकाना पड़ेगा। तो ड्राई निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 एमएम का, 20 एमएम का पहले निकाल लेते हैं। तो 514.79 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.41 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ जाएगा 513.0 केजी। ऐसे ही 10 एमएम का निकाल लेंगे, 729.18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 100, ये 725 आ जाएगा। ऐसे ही हम सैंड का निकाल लेंगे, सैंड का कितना है 724.44 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 1.87 है डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेट करना है 7110 आ गए। अब हमको वाटर निकालना है, वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको पूरा ले लेना पड़ेगा, यानी ये टोटल हमारा हो गया, उसमें से आप सैंड घटा दीजिए, सीमेंट घटा दीजिए, 20 एमएम घटा दीजिए, 10 एमएम, तो देखिए क्या है, हमने क्या किया 2561 उसमें से 420 ये सीमेंट घटा दिया, फिर 711 जो है हमने सैंड घटा दिया, फिर 513 हमने 20 एमएम घटा दिया और फिर 725 नहीं घटे, तो ये हमारा टोटल 2567 आ गया। ये हम प्लांट में हम लगा सकते हैं, सीमेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं और एडमिक्सर में कोई चेंज नहीं होगा। अभी क्यूब भरने के लिए आपको बैच बनाना है, आप 0.038 का आप क्यूबिक मीटर का आप बैच बना लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।